एंड जो कॉर्नर पर थोड़ी सी डस्ट होती है उसको साफ करने के लिए आपको वाइपर को इस तरह से पकड़ के इस तरह से साफ कर। हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं टेक एंड ट्रैवल बी में। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो टोटल सोलर पैनल को क्लीन करने के बारे में है कि आपको सोलर पैनल को कैसे क्लीन करना है और कितने टाइमिंग में आपको क्लीन करना है, मॉर्निंग से इवनिंग या नाइट में कौन सा टाइम बेटर रहेगा सोलर पैनल को क्लीन करने के लिए। तो आज यही सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए। आई होप वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह के लगभग 6 बजे हैं और आज 29 अक्टूबर है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पर जो डस्ट जमी हुई है वो गीली है क्योंकि यह डस्ट वाटर को एब्जॉर्ब करती है नाइट में, और मॉर्निंग के टाइम पर यह डस्ट हल्की सी गीली हो जाती है। अब फ्रेंड्स, अगर हम इसमें थोड़ा सा भी पानी डालेंगे तो यह डस्ट पैनल से छूट जाएगी। देखिए कितना जल्दी साफ़ हो रही है। तो अभी हम इसको साफ़ करेंगे और यह है मेरा सोलर स्ट्रक्चर। इस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, आप देखना चाहते हैं तो मैं आई बटन में इसका मैं लिंक दे दूँगा, वो आप ज़रूर देखिए। यह मेरा एक लाइफ टाइम स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, काफ़ी मजबूती से बना है। और यह मेरा जो सोलर स्टैंड है वो गैल्वनाइज आयरन का लूम सोलर स्टैंड है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर काफ़ी मॉइस्चर है, तो मॉर्निंग के टाइम पे अगर आप सोलर पैनल को क्लीन करेंगे तो कम मेहनत में और कम पानी में ही यह सोलर पैनल अच्छे से क्लीन हो जाएगा और उसमें टाइम बहुत ही कम लगेगा, कुछ मिनटों में ही आप सोलर पैनल को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। और मेरे पास देखिए यह जो वाइपर है इसका मैं यूज़ करूँगा सोलर पैनल को क्लीन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, यह दो सोलर पैनल है, जो लेफ्ट वाला सोलर पैनल है वो है ल्यूमिनस का 370 वाट मोनो पार्क टेक्नोलॉजी पर बेस्ड सोलर पैनल और राइट वाला है लूम सोलर मोनो पार्क टेक्नोलॉजी पर बेस्ड पैनल और यह 375 वाट का सोलर पैनल है। यह दोनों सोलर पैनल पर भी मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ और यह इस मौसम में कैसा आउटपुट जनरेट करते हैं उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है। तो देखिए अभी हम इन दोनों सोलर पैनल को ईजिली क्लीन कर लेंगे इस तरह से, और इन दोनों सोलर पैनल का जो वीडियो है मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा। देखिए यहाँ पर जो कबूतर की बीट है यह जम जाती है धूप निकलते ही, लेकिन यह मॉर्निंग के टाइम पे कितनी आसानी से देखिए साफ़ हो रही है, हल्का सा पानी डालते ही यह तुरंत साफ़ हो जाती है सोलर पैनल से, क्योंकि यह भी अभी इसमें भी मॉइस्चर है तो यह सब जो डस्ट पार्टिकल बीट्स वगैरह हैं ये सब ईजली साफ हो जाती हैं, तो इसमें पानी भी काफ़ी कम लगेगा और मेहनत भी काफ़ी कम लगेगी। तो देखिए इस तरह से आपको साफ़ कर लेना है सोलर पैनल को। और जो वाइपर का जो फोम आप यूज़ करेंगे वो आप देख लीजिए कि काफ़ी सॉफ्ट होना चाहिए जिससे कि ग्लास पर कोई स्क्रैच ना आ जाए। वैसे तो यह ग्लास काफ़ी ड्यूरेबल होता है, इस पर किसी चीज़ का कोई असर नहीं रहता है, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से सावधानी रखनी चाहिए और इसको सॉफ्ट फोम वाले वाइपर से ही साफ़ करना चाहिए। और फ्रेंड्स, सबसे अच्छा टाइम है यही मॉर्निंग के टाइम पर, अगर आप साफ़ करेंगे तो आपका काफ़ी मेहनत कम लगेगा। अगर आप यही दोपहर को अगर आप साफ़ करेंगे तो इसमें बीट्स वगैरह निकलने, जो कबूतर की बीट्स वगैरह वो नहीं निकलती है, वो काफ़ी स्ट्रांगली चिपक जाती है ग्लास से, तो इसको साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन मॉर्निंग के टाइम पर आप इजीली साफ़ कर सकते हैं, सिर्फ पानी डालकर ही आप सब चीज़ें क्लीन कर सकते हैं। जो सोलर पैनल पर सारी जो डस्ट पार्टिकल वगैरह जो लगे हुए हैं उनको आप आसानी से साफ़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हल्का सा थोड़ा रब कर दीजिए तो जिससे सभी साफ हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जो कॉर्नर पर थोड़ी सी डस्ट होती है उसको साफ़ करने के लिए आपको
वाइपर को इस तरह से पकड़ के इस तरह से साफ करना है। इस तरह से अगर आप साफ करेंगे तो जो कॉर्नर की जो डस्ट है वो आसानी से निकल जाएगी, क्योंकि अगर वाइपर को अगर हम सीधा सीधा इस्तेमाल करेंगे सोलर पैनल पे तो यह वाइपर वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, इसलिए थोड़ा सा वाइपर को टर्न करना पड़ता है, जैसे कि मैं अभी साफ कर रहा हूँ। देखिए इस तरह से आपको यह साफ करना है सोलर पैनल, और साफ हो जाने के बाद आपको जितना भी वाटर है, देखिए यह कितना सॉफ्ट होना चाहिए, देखिए कितना सॉफ्ट है ये, तो सॉफ्ट वाइपर ही यूज़ करना चाहिए, जितना सॉफ्ट ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्ट होगा उतना ही अच्छा है। और देखिए इस तरह से थोड़ा सा वाइपर को इस तरह से रगड़ देना है सोलर पैनल के ऊपर, जिससे जो एक्स्ट्रा गंदगी जो थोड़ी सी जमी भी है वो भी आसानी से साफ हो जाएगी, और जितना भी पानी वगैरह लगा हुआ है वो भी सब आप ऐसे साफ कर सकते हैं। देखिए इन सोलर पैनल के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, और इस पर मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है कंप्लीट सोलर सिस्टम के नाम से, तो उसमें इन सोलर पैनल के बारे में और UTL गामा प्लस के बारे में भी काफ़ी वीडियो बने हुए हैं, वो आप देख लीजिए। यह दोनों सोलर पैनल काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जून और बारिश में इनकी सारी टेस्टिंग मैं आपको बता चुका हूँ, गर्मियों में भी इसने काफ़ी टेस्टिंग की है। देखिए इस तरह से खड़े वाइपर से आप जो कॉर्नर पर जो डस्ट जमी रहती है उसको आप क्लीन कर सकते हैं। देखिए गर्मियों और मानसून में इनकी टेस्टिंग के सारे वीडियोस मैं बना चुका हूँ, वो आप ज़रूर देखिए, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी इन सोलर पैनल के बारे में। ल्यूमिनस और लूम सोलर दोनों की परफॉर्मेंस हालांकि सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम आउटपुट जनरेट करते हैं, और यही दोनों पैनल काफ़ी लोग परचेज भी करते हैं और अमेजोन पर भी आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। देखिए ये बस बार कितने क्लियर दिख रहे हैं, और देखिए कितने क्लीन हो गए हैं, कुछ ही मिनट्स में आप इसको कम्प्लीटली क्लीन कर सकते हैं। देखिए मैं क्लोजअप व्यू आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कितने क्लीन हो गए, आधी बाल्टी पानी में ही दोनों सोलर पैनल साफ़ हो गए। तो पैनल को साफ़ करने का सबसे अच्छा टाइम है मॉर्निंग में, जब पैनल की सारी डस्ट गीली होती है तब आप आराम से इसको साफ़ कर सकते हैं कम पानी में भी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो काफी इंटरटेनिंग लगा होगा, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूं जो कि सोलर पर रिलेटेड होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।